पैरल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर जब मल्टीपल डी सी जेनरेटर्स को एक साथ पैरल में कनेक्ट करते हैं टू गेट कंटिन्यूस एंड रिलायबल ऑपरेशन देन इट इज़ नोन एज पैरल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर जनरेटर्स को बस बार के साथ इस तरह पैरल में कनेक्ट करते हैं बस बार एक टाइप का थिक कॉपर कन्डक्टर होता है यहाँ पर बस बार का पॉजिटिव टर्मिनल है एंड हेयर इज द निगेटिव टर्मिनल एक जनरेटर ऑलरेडी कनेक्टेड है एंड दूसरा जनरेटर को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं जहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल डिस्कनेक्टेड है बाय द स्विच जनरेटर बी को पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं लाइक like, इस जनरेटर का रोटर जिस आर से रोटेट कर रहा है सेम है स्पीड जनरेटर बी के रोटर का भी स्पीड होना चाहिए सो so, प्राइम ओवर के हेल्प से जनरेटर बी के रोटर का जो आर है वो इक्वल करेंगे टू द जनरेटर ए स्विच टू के साथ एक वोल्ट मीटर कनेक्ट रहता है जो कि जनरेटर बी के वोल्टेज को मेजर करेगा प्राइम ओवर के हेल्प से जब इसका वोल्टेज रेटेड वोल्टेज तक पहुँच जाएगा तो वोल्ट मीटर से हमें पता चल जाएगा एंड रेटेड वोल्टेज रिच करने के लिए जनरेटर के एक्साइटेशन को रेगुलेट करते हैं जिससे रेटेड वोल्टेज अचीव कर पाएंगे जब रेटेड वोल्टेज अचीव हो जाएगा देन स्विच एस टू को क्लोज कर देंगे मतलब ऑन कर देंगे इस टाइम जनरेटर बी का आउटपुट वोल्टेज एंड बस बार का वोल्टेज दोनों इक्वल रहता है जिससे जनरेटर बी ना तो वोल्टेज सप्लाई कर पाएगा और ना ही वोल्टेज लेगा इस कंडीशन को फ्लोटिंग कंडीशन बोलते हैं नाउ सेकेंड जनरेटर से अगर लोड शेयर करना है तो जनरेटर बी का इंड्यूस्ड ई एम करना होगा सो so, जनरेटर बी के फील्ड बाइंडिंग के साथ जो रियो इस्टेट कनेक्ट है उसको वेरी करेंगे एंड एक्साइटेशन को इंक्रीज करेंगे जिससे ई भी इंक्रीज होगा एंड जनरेटर भी बस बार में सप्लाई प्रोवाइड करने लगेगा मतलब इसके साथ भी लोड शेयर होने लगेगा दो सन्ट जनरेटर को बस बार के साथ अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं दो जनरेटर्स का बिहेवियर कैसा होगा सो वोल्टेज एंड करेंट के बीच ग्राफ ड्रो करेंगे डी सेंट जनरेटर को जब लोड से कनेक्ट करते हैं तो प्रैक्टिकली वोल्टेज जो है वो स्लाइटली ड्रॉप होता है जनरेटर एंड बी को जब लोड से कनेक्ट करेंगे तो सपोज़ इस तरह कर्व मिल रहा है एक जनरेटर में अगर ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा एंड एक में कम उस कंडीशन में लोड शेयरिंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा सपोज़ यहाँ पर पर्टिकुलर टर्मिनल वोल्टेज भी है जनरेटर बी के लिए करंट आई बी एंड जनरेटर ए के लिए करंट आई ए है तो इस कर्व के अकॉर्डिंग जनरेटर ए के कम्परिजन में जनरेटर बी में ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है जनरेटर बी का ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा है एंड जब ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा होगा तो लोड शेयरिंग कम होगा एंड जनरेटर ए का लेस ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है सो जनरेटर ए ज़्यादा लोड शेयर करेगा सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉइंट को लिख सकते हैं द जनरेटर हैविंग मोर ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक विल शेयर लेस लोडिंग एंड इट्स वाइस वर्सा मतलब जिसमें कम ड्रॉप होगा वो ज़्यादा लोड शेयर करेगा एंड जिसमें ज़्यादा ड्रॉपिंग होगा वो लेस लोड शेयर करेगा हाँ इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राइज होती है डीसी जनरेटर्स का हम लोग पैरल ऑपरेशन क्यों करते हैं एक सिंगल जनरेटर के हेल्प से भी हम लोग लोड के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते थे सिंस पैरल ऑपरेशन के हेल्प से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग पावर जनरेट कर सकते हैं अगर छोटा लोड को सप्लाई देना है एंड हमारे पास वेरी लार्ज जनरेटर रहेगा तो उस कंडीशन में पावर लॉस होगी बट पैरल ऑपरेशन के हेल्प से लोड के लिए कम पावर जनरेट कर सकते हैं टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ लोड पैरल ऑपरेशन के हेल्प से सप्लाई कंटिन्यूटी डिस्टर्ब नहीं होती है मतलब एक जनरेटर अगर ख़राब हो जाएगी तो रिमेनिंग जनरेटर्स के हेल्प से सप्लाई कंटिन्यू लोड को मिलते रहेगा लेकिन अगर एक ही लार्ज जनरेटर का हम लोग यूज करेंगे एंड उसमें किसी तरह से फॉल्ट ओकर हो होगा तो जनरेटर के शट डाउन होने से कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी सो कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई मेंटेन रखने के लिए मल्टीपल जनरेटर्स का पैरेलल ऑपरेशन रिक्वायर्ड होता है पैरेलल ऑपरेशन में जनरेटर्स का मेंटेनेंस ईजली पॉसिबल होता है जिस जनरेटर को मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होगी उसको बंद कर देंगे एंड रिमेनिंग जनरेटर्स ऑन रहेगा बट एक ही लार्ज जनरेटर होगा तो उसका मेंटेनेंस काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा एंड ऑपरेटिंग कंडीशन में अगर उसको हम लोग मेंटेन करेंगे तो ऑपरेटर के लिए डेंजर हो सकता है पैरल ऑपरेशन का एक और मेजर बेनिफिट्स है कि अगर सडनली लोड इंक्रीज होगा तो एक और जनरेटर को पैरल में कनेक्ट कर लेंगे एंड लोड के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे पर अगर एक सिंगल लार्ज जनरेटर का हम लोग यूज़ करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा पावर जनरेट नहीं कर सकते हैं बिकॉज जनरेटर का अपना कुछ फिक्स रेटिंग होता है उस रेटिंग तक ही पावर जनरेट कर सकता है नेक्स्ट है कि डीसी जनरेटर्स का अगर हम लोग पैरल ऑपरेशन करते हैं तो इससे सिस्टम की इफिसियंसी इंक्रीज होती है सिस्टम में अगर लाइट लोड की रिक्वायरमेंट है तो उसको पूरा करने के लिए स्मॉल डीसी जनरेटर सफिशियंट होता है एंड जैसे जैसे लोड इंक्रीज़ होगा पैरल ऑपरेशन में मल्टीपल जनरेटर्स को हम लोग कनेक्ट करते जाएंगे टू फुलफ़िल द रिक्वायरमेंट ऑफ लोड ऐसा करने से सिस्टम की जो इफिशियंसी है वो इंक्रीज होती है क्योंकि इस सिस्टम में पावर का लॉस नहीं होता है कंडीशन फॉर पैरल ऑपरेशन अगर मल्टीपल जनरेटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करना चाहते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशंस है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं जनरेटर्स का टर्मिनल वोल्टेज इक्वल होना चाहिए मतलब जो भी इनकमिंग जनरेटर है जिसको बस बार के साथ हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं उसका टर्मिनल वोल्टेज इक्वल होना चाहिए जस्ट लाइक एग्जिस्टिंग जनरेटर्स रियो इस्टेट के हेल्प से फील्ड करेंट को हम लोग भैरी करते हैं एंड टर्मिनल वोल्टेज को इक्वल करते हैं कनेक्टेड वोल्ट मीटर अगर जीरो रीडिंग शो करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि दो जनरेटर सेम पोटेंशियल पर है सो वोल्ट मीटर को हम लोग चेक करेंगे एंड जीरो रीडिंग शो होने तक रियो को वैरी करेंगे इनकमिंग जनरेटर का पोलारिटी एग्जिस्टिंग जनरेटर के तरह सेम होना चाहिए जो न्यू जनरेटर को कनेक्ट करेंगे उसको इनकमिंग जनरेटर बोल रहे हैं सो बोथ जनरेटर का पोलारीटी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए इनकमिंग जनरेटर का ई एम एफ लिटिल बिट मोर रखते हैं कंपेयर टू एग्जिस्टिंग जनरेटर ऐसा हम लोग मोटरिंग कंडीशन को अवॉइड करने के लिए करते हैं डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस में डीसी जनरेटर्स का मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का यूज़ पावर एंड लाइटिंग पर्पस के लिए किया जाता है डीसी सीरीज जनरेटर का यूज आर्क लैंप में किया जाता है फॉर लाइटिंग पर्पस एंड एज अ स्टेबल करेंट जनरेटर एंड एज बूस्टर्स उसका यूज़ करते हैं डीसी जनरेटर्स का यूज़ पावर सप्लाई के लिए करते हैं इन होटल्स लॉजेज ऑफिस एंड इंडस्ट्रीज डीसी जनरेटर के यूज़ से बल्क बैटरीज एलिमिनेट होता है मतलब बहुत सारा बैटरी एक साथ यूज़ नहीं करना पड़ता है एक जनरेटर से हम लोग लोड डिमांड को पूरा कर सकते हैं हाई रिलायबिलिटी डीसी जनरेटर का अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई डिस्टर्ब नहीं होगा सिस्टम हाई रिलायबिलिटी के साथ ऑपरेट होगा डीसी जनरेटर का अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो स्पेस सेविंग होता है कम जगह में भी जो जनरेटर है वो इंस्टॉल हो जाएगा तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुँच सकें